जनपद में राप्ती व सरयू नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में राप्ती सरयू नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। अगले दो दिनों में हो सकता है राप्ती नदी के जलस्तर में कुछ और बढ़ोतरी हो, उसके बाद नदी का जलस्तर घटने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरयू नदी में अभी पानी ज़्यादा है तथा नदी में पानी और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, इसलिए मेरा नागरिकों से अपील है कि कोई भी व्यक्ति नदी के किनारे ना जाए और ना ही नदी में स्नान करे। सभी माताएं अपने बच्चों को नदी के पानी से दूर रखें, क्योंकि नदी में पानी ज़्यादा है जिससे कोई भी घटना घट सकती है। इस समय सभी नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उन्होंने बताया कि अभी प्राप्त सूचना के अनुसार 60,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों में कम्युनिटी किचन के माध्यम से पक्का भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है और जहां कहीं भी बाढ़ का पानी पहुंच रहा है उस गांव में राहत खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अभी तक 14,500 राहत खाद्य सामग्री किट का वितरण किया जा चुका है। अभी भी जैसे बाढ़ पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है, वहां पर राशन किट उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो फसलों की क्षति हो रही है उसका आकलन किया जा रहा है। यदि 33% से अधिक की फसल क्षति है तो ऐसे लोगों को राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 13,000 प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता उपलब्ध करवाया जाएगा और जिन लोगों ने फसल बीमा करवाया है उनको भी फसल बीमा कंपनी के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए वर्तमान समय में राप्ती और सरयू दोनों नदियों में भी आज वृद्धि दर्ज की गई है और यह संभावित है कि अगली एक दो दिनों तक राप्ती में मतलब वृद्धि हल्की फुल्की और दर्ज की जाए और फिर उसके बाद स्टेबल होने की संभावना उसकी है। लेकिन अभी सरयू नदी में पानी काफ़ी ज़्यादा है और अभी ये थोड़ा और बढ़ने की संभावना इस क्षेत्र में है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सरयू नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं या राप्ती नदी के आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो नदी किनारे बिल्कुल भी ना जाएं और बच्चों को नदियों से दूर रखें, क्योंकि नदी का में काफ़ी ज़्यादा पानी है और कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो इसलिए अभी नदियों में पानी पूरा भरपूर है और डेंजर लेवल से ऊपर हैं सभी नदियाँ। सर क्षति के जो आकलन किया जा रहा है किस तरह से लोग सहायता है, मान लीजिए जो नुकसान होता है बाढ़ से? देखिए अभी जो है जनपद में तकरीबन 60,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। इन सब क्षेत्रों में कम्युनिटी किचन के माध्यम से इन लोगों को पका भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही जहां भी बाढ़ का पानी उतर रहा है या चीज़ें गए तो वहां पे राहत खाद्यान्न सामग्री किट का वितरण भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आज तकरीबन 14,500 से ऊपर का राशन खाद्य सामग्री किट का वितरण किया जा चुका है और भी राशन किट्स आ रहे हैं और जो भी प्रभावित व्यक्ति परिवार हैं उन्हें राशन किट उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही जो फसलों की जो क्षति हुई है
है उसका आकलन भी किया जाएगा। साथ ही साथ जहाँ से पानी उतर रहा है वहाँ पे तो आकलन हो ही रहा है, लेकिन जब हम पानी उतरता है तो उसके बाद जो भी फसल की क्षति होती है, यदि 33% से अधिक फसल क्षति है तो उस दशा में राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के फसल का मुआवजा राहत निधि के अंतर्गत दिया रहता है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने अपना इंश्योरेंस करा रखा है, फसल बीमा करा रखा है, उन्हें भी फसल बीमा कंपनी के माध्यम से उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा।